अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इस्तकबाल है आप सबका मेरे चैनल मुगलाइज फीस्ट पर। आज मैं आप सबके साथ स्ट्रीट स्टाइल फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनकर रेडी होती है। सर्दियों में मछली खाने से हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदे मिलते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन डी, विटामिन B2, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। मछली हमारे जिस्म को गर्माहट देकर खांसी, जुखाम और बुखार से बचाती है। सर्दियों में आप इसे एटलीस्ट वीकली वंस ले सकते हो। तो चलिए इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया है लेमन के साथ। लेमन जूस अगर आप डालोगे तो फ़िश में स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर फ़िश मैरिनेट करने के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है, जिसमें मैंने एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच रेड फूड कलर डाल दिया है, तंदूरी मसाला पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच सौंफ ले लिया है और उसका पाउडर बनाकर डाल दिया है। 2 से 3 चम्मच बेसन डाल दिया है, और अगर आपके पास बेसन अवेलेबल नहीं है तो आप उसके बदले में 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 बड़े नींबुओं का रस डाल दिया है। अब मैंने इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ़िश को अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब मैंने इसे अच्छे से रैप करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया है 5 से 6 घंटों के लिए। आप इसे फ्रीज़र में भी स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पर फ़िश मैरिनेट हो चुकी है, चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। अब गैस ऑन करके मैंने उसके ऊपर एक फ्लैट तवा रख दिया है और उसमें करीब 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने उसमें मैरिनेटेड फ़िश डाल दिया है। तेल अगर अच्छे से गर्म नहीं होगा तो आपकी फ़िश तवे को चिपक जाएगी। अब मैंने गैस का फ्लेम लो मीडियम कर लिया है और दोनों साइड्स पर 10-10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, और अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपकी फ़िश अंदर से कच्ची रह जाएगी। आप अगर चाहो तो फ़िश को कढ़ाई में भी डीप फ्राई कर सकते हो। टेस्टी एंड डिलीशियस फ़िश फ्राई बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआ में ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।